Hello everyone, welcome to the amazing platform that is Science and Technology YouTube channel. तो previous lecture तक हमारी बात quadratic equation पे जितने question बन सकते थे उन सारे question को हम लोगों ने solve कर लिया. बारी है cubic equation की. ठीक है, जैसे हम लोग quadratic equation में sum of roots, sum of zeros, product of zeros निकाला था, वैसे ही cubic equation के ऊपर भी हम लोग कुछ उसी तरह का कुछ निकालेंगे. ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिखा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन निकालना है हमें. ठीक है, तो ये एफ एक्स दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इस इक्वेशन का, थ्री. तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने आएंगे, थ्री. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जीरोस मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, टू, तो इसलिए मैक्सिमम जीरोस कितने आए थे, टू. तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितना है, थ्री, इसलिए मैक्सिमम जीरो आएंगे तीन. तो मान लेते हैं इसका जो रूट होगा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा. ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा ही मांग रहे थे क्योंकि डिग्री उसकी टू थी, यहाँ डिग्री थ्री है इसलिए एक बढ़ गया, अल्फा बीटा और गामा हो गया. ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन का जीरोज है तो मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इस इक्वेशन का फैक्टर होगा. ठीक है, अगर फैक्टर होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने लिखा था एफ एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस यहाँ तक था, यहाँ क्यूबिक है तो एक बढ़ गया. ठीक है, अब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो एफ एक्स के पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के. अब इसे अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. ठीक है, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आए, यहाँ तक हो गया. अब हम इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, के से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, के एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा. ठीक है, इतना कोई दिक्कत, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर कराते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के, और यहाँ क्या है, ए. तो यहाँ से क्या पता चला कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के. ठीक है, ए ये आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या है, बी, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, ये तो यहां से क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू के क्या वैल्यू, यहां से क्या मिल चुका है, ए, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, ये आ गया. अब x को कंपेयर कराओ, x का कोएफिशिएंट क्या है, c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. फिर यहां से क्या पता चला, k के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, तो a लिख दिया, यहां से क्या है, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन
ए, ठीक है। अब एक और क्या बचा, एक्स को कंपेयर करा दिए, अब क्या बचा कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पे क्या है डी, तो डी इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट यहां पे क्या है माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, डी इक्वल टू माइनस के जगह पे ए लिख देते हैं, तो ए अल्फा बीटा गामा, तो यहां से हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। यहां हमें तीन रिलेशन मिला, वहां क्वाड्रेटिक में दो रिलेशन मिला था, यहां क्यूबिक में तीन रिलेशन। अब हम लोग इसे अच्छे से लिख लेते हैं, यहां पहला रिलेशन क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसे हमें क्या करना है याद करके रखना। दूसरा रिलेशन क्या आया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा सी अपॉन, तीसरा क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आया है अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन को हमें याद करके रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ओके। तो आई थिंक ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन इन तीनों रिलेशन पे बन जाएगा, ओके। एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ओके। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, इफ टू जीरोस, मतलब टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स दे रखा है ये आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे थ्री, तो इसमें से दो जीरोस उसने दे दिया, मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो उसने दो जीरोस दे दिया, मतलब अल्फा दे दिया रूट थ्री और बीटा दे दिया माइनस रूट थ्री, देन फाइंड दी थर्ड जीरो, मतलब थर्ड जीरो हमें खुद से निकालना है, मतलब क्या निकालना है डेल्टा गामा निकालना है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीन जीरोस होते हैं, उसमें से दो जीरोस दे दिया अल्फा बीटा, बोल रहा है थर्ड जीरोस निकालो मतलब गामा निकालो, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल, बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है तो माइनस बी अपॉन ए, यहां पर बी क्या होता है बी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बी होता था वो कोफिशियंट ऑफ एक्स होता था, और यहाँ बी जो है कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अल्फा कितना दे रखा है रूट थ्री, प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस रूट थ्री, और गामा निकालना है प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है माइनस फोर अपॉन ए क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वन, ओके। तो यहाँ से रूट थ्री प्लस इंटू माइनस रूट थ्री प्लस गामा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस फोर, ठीक है। तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो यहाँ गामा इक्वल टू कितना आ गया फोर, ठीक है। तो तीसरा जीरो हमारा आ गया फोर, जो पूछ रहा था फाइनल थर्ड जीरो क्या होगा फोर आंसर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है
जिसमें पॉलिनोमियल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिक्सर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ये fx दे रखा है, आर इन ap, ap मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू निकालना है, मतलब बोलना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका जो जीरोस होगा, जो तीन जीरोस होगा क्यूबिक है तो तीन, तो इसकी डिग्री कितने हैं, थ्री, तो मैक्सिमम जीरोस कितना आएगा, थ्री, तो वो किस में है, ap में है, मतलब जीरोस जो है वो ap में है, ठीक है। तो ap में अगर होता है तो जनरली हम लोग टर्म क्या मानते हैं खुद से, फर्स्ट टर्म वन ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। लेकिन इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मैंने बताया था कि अगर हमें खुद से अगर तीन टर्म ap में मानना है तो हम वो क्या मानते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, मतलब t1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या मानेंगे, a, और थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस डी। इसे मानने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ap में है तो हमने मान लिया, लेट लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर a माइनस डी, a प्लस डी, कोई दिक्कत, मतलब हमने खुद से मान लिया कि फर्स्ट जीरो जो है, मतलब इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा, और इसे मान लो गामा। तो अल्फा हो गया a माइनस डी, बीटा हो गया a, और गामा हो गया a प्लस डी, ओके। तो सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस 12, माइनस पहले से है, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 12, ए क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है, 1, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा क्या है, a माइनस डी, प्लस बीटा क्या है, a, प्लस गामा क्या है, a प्लस डी, किसके इक्वल आ गया, माइनस इनटू माइनस प्लस 12, यहां से देखो तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा क्या, a प्लस ए कितना आ गया, 3a इक्वल टू 12, तो यहां से a किसके इक्वल आ जाएगा, 4, ठीक है, यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया, तो a इक्वल टू 4 आ चुका है। तो अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, सम ऑफ द जीरो ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके, c अपॉन a, ओके। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, a माइनस डी, बीटा क्या है, a, फिर से बीटा क्या है, a, गामा क्या है, a प्लस डी प्लस गामा, a प्लस डी अल्फा, a माइनस डी, ओके। c अपॉन a होता है, c क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ x, 39, कॉफिशियंट ऑफ x क्यूब क्या है, 1, ओके। यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके। यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, 39, यहाँ देखो माइनस ए डी प्लस ए डी, ये दोनों कैंसिल आओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 4, यहाँ पुट कर देते हैं a इंटू 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, 39 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 39, और माइनस डी स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, 9 इक्वल टू
डी स्क्वायर, तो यहां से डी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस थ्री। ओके अब हम लोग फर्स्ट टर्म क्या था, मतलब अल्फा क्या आया था, ए माइनस डी, तो अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी, ए कितना है फोर, डी को एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव ले लो, अभी हम लोग क्या करते हैं कि डी इक्वल टू प्लस थ्री है, यहाँ पे डी कितना जाएगा थ्री, तो क्या आ गया वन। सिमिलरली बीटा क्या आ जाएगा, बीटा क्या है ए, ए किसके इक्वल है फोर, फोर आ गया। अब गामा क्या है ए प्लस डी, ए क्या है फोर और डी क्या है थ्री, कितना आ गया सेवन। ठीक है, तो हमारा जो जीरोज आया वो क्या क्या आ गया वन कॉमा फोर कॉमा सेवन। ओके अगर डी माइनस थ्री लोगे तो बस क्या हो जाएगा, ये रिवर्स कर जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा सेवन फिर आ जाएगा फोर फिर आ जाएगा वन। ओके ये मैंने अच्छे से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझा दिया था। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा आ गया, हमें अल्फा बीटा गामा से मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है k का वैल्यू निकालना, k का वैल्यू निकालना, तो एक और रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा वन, बीटा क्या है हमारा फोर, गामा क्या है हमारा सेवन, दो तीनों का प्रोडक्ट कर दिया इक्वल टू माइनस डी, का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे के, ए का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है वन। ओके तो सेवन फोर जा 28, 21 इंटू वन 28 इक्वल टू माइनस के, तो के इक्वल टू कितना आ गया माइनस 28। ओके तो ये क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। आई थिंक इस क्वेश्चन से आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और अच्छे से फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये समझ में, इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आ गया होगा। ओके तो अब दो टॉपिक और आ गया है, एक ग्राफ वाला, ग्राफ दे देगा उसमें से पूछेगा कि बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, और एक आएगा डिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके तो जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके थैंक यू।